दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जिस तेजी से बढ़े उसी के साथ में एम्बुलेंस वालों ने अपने रेट भी बढ़ा दिए। दिल्ली के प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जो रेट्स हैं वो तेजी से कोरोना वायरस के दौरान बढ़ते जा रहे थे, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार तक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एम्बुलेंस सर्विसेज का जो रेट है वो फिक्स कर दिया गया है। 1500 से लेकर 4000 तक का दायरा एम्बुलेंस सर्विसेज का बनाया गया है। ऐसे में क्या अब जब लागू कर दिया गया है ये आदेश, क्या इस तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आइए हम लोग ये भी जानते हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम एम्स के बाहर मौजूद है और यहाँ पर कई सारी एम्बुलेंसेज हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बात करते हैं उनके ड्राइवर से। ड्राइवर आपके मौजूद हैं क्या यहाँ पर? आप ही ड्राइवर हैं? हम ही ड्राइवर हैं, ड्राइवर हम ही हैं। क्या नाम है आपका? मोनू यादव। मोनू जी, अब रेट तय हो गए दिल्ली सरकार की तरफ से, आप अब कितना प्राइस ले रहे हैं, कितना पैसा लेते हैं इस एम्बुलेंस का? हमारा जो रेट था मैडम वही ले रहे हैं, हम एक्स्ट्रा रेट नहीं ले रहे हैं। आप पहले कितना ले रहे थे, अभी कितना ले रहे हैं? मेरा 11-12 रुपए किलोमीटर है। अच्छा। जी वही ले रहे हैं, केवल वही है हमारा जो रेट है। मैं बाहर चलता हूँ जैसे बिहार बंगाल जाता हूँ तो मेरा 11-12 रुपए पर किलोमीटर है, वही ले रहा मैं। अच्छा। जी इस वक्त अभी आपके पास ऑक्सीजन है अपनी गाड़ी में? नहीं ऑक्सीजन नहीं, मैं डेड बॉडी ले जाता केवल। तो देखिए आइए अब और एम्बुलेंस में भी जाते हैं और वहाँ पे पता करते हैं। दिल्ली में ऐसे कई सारे केसेस सामने आए थे, हमने भी एबीपी न्यूज़ ने भी कई सारे आपको ऐसे रिपोर्ट्स दिखाई हैं जहाँ पर लोग कितने मजबूर हैं कि उन्हें डेड बॉडीज तक ले जाने के लिए कई सारा जो मोटा पैसा है वो एम्बुलेंस को देना पड़ रहा था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने जब रेट्स फिक्स कर दिए हैं तो क्या ग्राउंड पर इसका असर है, क्या ग्राउंड में इस बात की जानकारी है और क्या लोग जो हैं वो इसी हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी जान लेते हैं। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी मैम जी। हाँ जी मैं ड्राइवर हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित चौहान। तो अब आप कितने रुपए के हिसाब से गाड़ी ले जा रहे हैं? मानसिक रेट पे लेके जाते हैं जी, ज़्यादा में क्या लेके जाएंगे। अच्छा लोकल और कोविड, तो कोविड तो हम लेके नहीं जाते हैं जी। और जो अपना आउट स्टेशन का काम है, लोकल का भी काम है। जो जी 10 रुपये किलोमीटर, 10 रुपये किलोमीटर, 10 रुपये किलोमीटर में ही ले जा रहे थे पहले भी? हाँ जी। हाँ जी। और जब दिल्ली सरकार ने तय कर दिया है तो वो भी इसी दायरे में? हाँ जी सुनने में तो आया, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे अकेले के फॉलो करने से कुछ नहीं होता है, और भी एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। हाँ जी डेड बॉडी लेके जाते हैं जी। तो देखिए दो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं उनसे हमने बात करी है, एक को जानकारी थी एक को जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि वो पहले भी कम दाम में ही लेकर जाते थे और अब भी कम दाम में ही लेकर जा रहे हैं। और भी लोग हैं, आइए यहाँ पे और एम्बुलेंसेस भी दिखाई दे रही हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। तो देखिए कई सारे लोग हैं जो कि बात करने में फ़िलहाल हिचकिचाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि सभी से जानकारी लें। आप हैं इस एम्बुलेंस के ड्राइवर? हैं, वो तो इधर ही था अभी। वो कहाँ गया वो? एक सेकेंड। अच्छा आपने एम्बुलेंस मांगी कितने देर पहले? हमारे भरत, आपका नाम पहले? आपका? मेरा नाम धर्मवीर है, हमारे 92 भरत जैन जी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी जिले में हैं जी। तो आपने अभी एम्बुलेंस मांगी? कॉन्सल्ट किया कि भाई धर्मवीर जी कोई एम्बुलेंस मिलेगी, तो झज्जर जाने के शालीमार बाग से वहाँ के 18,000 रुपये मांगे थे। अभी की बात बता रहे हैं आप? 4 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले की बात है, लेकिन अब जो है दिल्ली सरकार ने नियम कर दिया है, रेट तय कर दिए, फिक्स कर दिए कि 1500 से लेकर 4000 से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं। सराहनीय कदम है, आप जैसे लोग जो कि जिन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लूटमार हो रही थी, लूटमार ख़त्म होगी। नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि बाकी जनता की जेब पे फालतू का जो वजन डालते हैं एम्बुलेंस वाले नहीं पड़े। अच्छा। आप पहचानते हैं इनमें से कोई था क्या वो एम्बुलेंस वाला? इनमें से नहीं है वो। अच्छा, इनमें से नहीं। देखिए और भी एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं। भैया ये आपकी एम्बुलेंस है? आपकी एम्बुलेंस है? तो देखिए जिस तरीके से धर्मवीर जी हैं वो
मरीज के परिजन हैं उनका कहना है कि झज्जर तक उन्हें शालीमार बाग से जाना था, 18,000 रुपये एम्बुलेंस के मांगे गए थे। तो यहीं पर एक हमें मरीज भी मिले हैं जो अपनी आपबीती बताते हैं कि किस तरह से मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश लगातार एम्बुलेंस वाले दिल्ली में करते जा रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार को भी कुछ ऐसी ही कंप्लेंट्स मिली और आदेश जारी किया गया है और इन एम्बुलेंस का जो रेट है उसे फिक्स कर दिया गया है। और फिलहाल जो एम्बुलेंस सर्विसेज के ड्राइवर्स हैं कुछ को इसकी जानकारी है और कुछ लोगों को इसकी जानकारी अब भी नहीं है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।